Let's see the word implicit. Implicit means understood but not directly stated, or something not directly expressed. Implicit ka matlab hota hai samajh aana par spasht roop se na kehna, ya fir avyakt. Yani implicit ka matlab hai किसी चीज का समझ तो आना पर उसको क्लियरली ना कहना. इस वर्ड को समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. इट इज इम्प्लिसिट डेट अ रोहित शेट्टी मूवी विल बी विदाउट एनी स्क्रिप्ट. अब जैसे रोहित शेट्टी की पिक्चरों में स्क्रिप्ट का ना होना, ये खुद से ही समझ में आता है. ऐसा वो खुद आकर नहीं बताएंगे. उसमें कुछ गाड़ियां उड़ेंगी, कुछ गुंडे पीटे जाएंगे, कुछ गाने होंगे और जोक्स होंगे, पर ओवरऑल कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी. अगला सेंटेंस, ऑल्दो यू नेवर स्टेटेड आई कुड यूज योर कार, योर परमिशन वॉज इम्प्लिसिट व्हेन यू हैंडेड मी योर कार कीज. हालांकि तुमने ये स्पष्ट रूप से नहीं बोला कि मैं तुम्हारी कार इस्तेमाल कर सकता हूं, पर यह चीज खुद से ही समझ में आने वाली थी जब तुमने अपनी कार की चाबी मुझे दी. अगला सेंटेंस, व्हेन जेरी ट्राइड टू सेल अ कार ही डिड नॉट ओन, ही ब्रोक एन इम्प्लिसिट लॉ दैट इज नोन बाय मोस्ट पीपल. जब जेरी ने ऐसी कार बेचने की कोशिश की जो उसकी नहीं थी, तो उसने एक ऐसा लॉ तोड़ा जो कि कहीं लिखा तो नहीं गया पर लोग आपस में उस लॉ को मानते हैं या समझते हैं. अगला सेंटेंस, एज अ पेरेंट ममता हैज द इम्प्लिसिट राइट टू गवर्न हर चिल्ड्रन एज शी सीज फिट एज लॉन्ग एज शी डज नॉट कॉज देम हार्म. एक पेरेंट की तरह ममता अपने बच्चों का ख्याल किसी भी तरह से रख सकती है जैसा वह ठीक समझे, क्योंकि ये एक इम्प्लिसिट राइट है. ऐसा राइट कहीं लिखा नहीं गया पर ये राइट हम सब मानते हैं कि वो तब तक अपने बच्चों का ख्याल अपने हिसाब से रख सकती है जब तक वो उन्हें कोई हानि ना पहुंचाए. अगला सेंटेंस, द हैंडशेक बिटवीन द टू मेन वॉज देयर इम्प्लिसिट एग्रीमेंट टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. दो लोगों के बीच जब हैंडशेक हुआ, उन्होंने हाथ मिलाया, तब एक इम्प्लिसिट एग्रीमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट को लेकर. इम्प्लिसिट एग्रीमेंट यानी अभी एग्रीमेंट का होना कहीं लिखा नहीं गया पर हाथ मिलाने को मान लिया गया कि एग्रीमेंट हो गया है, तो ये इम्प्लिसिट था. अगला सेंटेंस देखते हैं, इट इज इम्प्लिसिट डेट अ पॉलिटिकल स्पीच विल बी फुल ऑफ लाइज. एक पॉलिटिकल स्पीच, खासकर इलेक्शन के टाइम पर दी जाने वाली स्पीच में झूठ का होना इम्प्लिसिट है. हालांकि कोई नेता आकर आपको नहीं बोलेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, पर यह चीज जनता की समझने वाली है कि उसमें झूठ ही होंगे या फिर जुमले ही होंगे उनकी स्पीच में. तो जनता को समझदारी दिखानी चाहिए, ऐसी स्पीचेस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाद में वो जुमले ही साबित होते हैं. कोई 2000 का जुमला, कोई 6000 का, तो कोई 15 लाख का. और ऐसे जुमले सभी पॉलिटिकल पार्टीज आपको सुनाएंगी. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप और भी वर्ड्स सीख सकें.